हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स में भर्तियाँ आती हैं तो उसमें आपका पेपर पैटर्न कैसा आएगा, कितने चरण होंगे एग्ज़ाम, कितने एग्ज़ाम होंगे आपके, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, आपकी योग्यता क्या पोस्ट वाइज अलग अलग मांगी जा रही है, ग्रेजुएशन में कितना परसेंट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना परसेंट चाहिए, इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है और एग्ज़ाम के बाद की प्रोसेस क्या होती है, एग्ज़ाम में सी टेट और यूपी टेट या जो भी आपका स्टेट का टेट होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। साथ ही साथ जो सिलेबस है इसकी ऑनलाइन परीक्षा जो होगी उसका सिलेबस भी आपको मैं बता दूंगा, उसके लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि और कोई प्रॉब्लम अगर इस भर्ती से संबंधित आपको आती है आप कमेंट करके बताते हैं, मैं दूसरा वीडियो बना लूं और आप उसे देखकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। पूरे 20 पेज की नोटिफिकेशन है जो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट आपके लिए मैं पढ़ के बता दूंगा, जो थोड़ा ऐसे पॉइंट है जिन्हें आप खुद पढ़ सकते हैं या जिन्हें पढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो आधे घंटे का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नोटिफिकेशन आराम से जाके सरकारी रिजल्ट पे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप नोटिफिकेशन को अपना पढ़ लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या होगा, आपके आसपास कौन कौन से आर्मी स्कूल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। तो आप पहले मैं एक बार पूरा बता देता हूँ, उसके बाद आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं कि ये भर्तियाँ निकाली गई हैं, जनरल आपका बता दिया गया, इसके बाद बताया गया एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो आपकी पहली परीक्षा होगी, और उस टेस्ट के बाद आप रेगुलर और फिक्स टर्म वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब वैकेंसीज़ जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, इसमें एक होती है रेगुलर, एक होती है फिक्स टर्म के लिए वैकेंसीज़। इसके लिए इसके बाद आपका आता है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ लीजिए, स्टेज 1 में आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपके आसपास किसी भी सेंटर पे दिया जा सकता है जो कि 5 और 6 नवंबर को होना है। इस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा जिसके बारे में अभी मैं आगे पूरा आपको बता दूंगा। स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपेयर इन द रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद जो अगला सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसी स्कोर कार्ड के आधार पे आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप स्कोर कार्ड इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी आप इसके लिए इस बार अप्लाई कर सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है कि अगर किसी ने स्वयं से कोई स्कोर कार्ड बना लिया है तो वो किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। अब इसके बाद बताया गया स्टेज 2 आपका है वो इंटरव्यू होगा, ठीक है। पहले स्टेज में आपने परीक्षा दी, आपको स्कोर कार्ड मिल गया, दूसरे स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये इंटरव्यू कहाँ होगा, इसमें लिखा है कि आपके आसपास जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल होंगे वो न्यूज़पेपर में या कहीं किसी माध्यम से अगर कोई नोटिस पब्लिश करते हैं या उनके अपने बोर्ड पे कोई नोटिस लगा देते हैं, उनके जो नोटिस बोर्ड होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके यहाँ कितनी वैकेंसी हैं, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस वैकेंसी के लिए इंटरव्यू कब लेने वाले हैं, तो आप वहाँ जाके अपने स्कोर कार्ड के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसकी भर्ती होती है, पेपर 1 हो जाएगा आपका, पेपर 1 का स्कोर कार्ड 14 दिन बाद मिल जाएगा, 30 दिन बाद उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। उस रिजल्ट के बेसिस पे जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल या आपके आसपास जो भी आर्मी के कमांड से जो भी संस्थान है अगर वैकेंसी निकालते हैं तो आपको उनके नोटिफिकेशन जो भी न्यूज़पेपर में आएगा या उनके नोटिस बोर्ड पे आएगा उसके लिए उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे अप्लाई करना है, फिर वो आपको बुलाएंगे, इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे के चरण जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। इतनी बात आप समझ गए होंगे। नीचे लिखा है कॉल फॉर इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन बोर्ड, कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट रेगुलर टीचर आर इनवाइटेड टू सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड CSB, द बोर्ड्स आर ऑर्डर्ड बाय द चेयरमैन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये उनका बोर्ड हो गया जो रेगुलर वैकेंसी वाले हैं। इसके बाद नीचे देखिए फिक्स टर्म एम्प्लॉय आर इन्वाइटेड बाय द लोकल सिलेक्शन बोर्ड LSB विच आर ऑर्डर्ड बाय द लोकल मिलिट्री अथॉरिटी, ठीक है। और जो फिक्स टर्म वाली जॉब्स आती हैं उनका लोकल एक बोर्ड होता है, उसके ऑर्डर पर वो इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब देख लेते हैं इसका स्टेज 3 क्या होगा, ठीक है।
तो स्टेज थ्री में आपका क्या है, इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ठीक है, आपकी टीचिंग स्किल और आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को चेक करेंगे ये लोग तीसरे स्टेज में। ठीक है, फॉर लैंग्वेज टीचर रिटन टेस्ट कंप्राइजिंग एसे और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ 15 मार्क। अगर आप किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो एक लैंग्वेज टीचर है, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का है, उर्दू का, ऐसा कोई लैंग्वेज टीचर है, तो उसके लिए एक एसे होगा और कॉम्प्रिहेंशन होगा 15 मार्क का, विल हेल्ड अलॉन्ग विद द एवेल्यूएशन टीचिंग स्किल, और आपकी टीचिंग स्किल जो है वो भी वहाँ पे जांची जाएंगी। सिलेक्शन कमेटी में ऑल्सो होल्ड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इफ दिस शो डिज़ायर। अगर सिलेक्शन कमेटी को लगता है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लेना चाहिए तो वो भी वो लेगी। ठीक है, इसके आगे लिखा है स्टेज टू एंड थ्री विल हेल्ड इन टैंडम अंडर द एजिस ऑफ बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट हेड क्वार्टर कमांड स्कूल मैनेजमेंट। ये तो जो दोनों ये वाले टेस्ट हैं ये कहाँ लिए जा सकते हैं, हेड क्वार्टर कमांड या स्कूल मैनेजमेंट से लिए के अंतर्गत किए जा सकते हैं। द इंटरव्यू शैल बी फॉर ए ग्रुप ऑफ स्कूल कॉल्ड द क्लस्टर ऑफ ए सिलेक्शन कैंडिडेट फॉर ओनली द रेगुलर कैटेगरी में अपॉइंटेड इन एनी वन ऑफ द स्कूल दैट द क्लस्टर वाइज लिस्ट ऑफ ऑल आर्मी स्कूल्स इज गिवन इन एनेक्शर वन। ठीक है, अभी एनेक्शर वन में एक लिस्ट दी गई है सभी आर्मी स्कूल्स की, वो आप देख लेना। तो कहा जा रहा है जो जो इंटरव्यू होगा, एक काफ़ी जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं आर्मी के, उसके ग्रुप के हिसाब से भी लिए जा सकते हैं। ग्रुप पूरा वो आपका ले लेगा इंटरव्यू और उस अपने हिसाब से एक स्कूल बांट देगा जो जो आपके पास उसके स्कूल होंगे। ठीक है, जो इसके बाद एक ज़रूरी बात है कि अगर अथॉरिटी जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा रही है उसे लगता है कि एक एडिशनल स्क्रीनिंग होनी चाहिए कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी अथॉरिटी कंडक्ट करा सकती है एक बार आपकी अब स्क्रीनिंग होके और लड़के छांटे जा सकते हैं। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स को एक लेटर मिल गया है अपॉइंटमेंट का फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन आर्मी कैटेगरी विल रिक्वायर्ड टू गेट पुलिस वेरिफिकेशन। जिसको भी जो सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद उस व्यक्ति को एक पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना होगा। इसके बाद देखिए गाइडलाइन फॉर द कंडक्ट ऑफ द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट से जरूरी जुड़ी हुई कुछ गाइडलाइंस हैं वो आप देख लीजिए। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, OST विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ PRT TGT PGT। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट PRT TGT PGT इज गिवन एनेक्शन टू। ठीक है, एनेक्शन वन में आर्मी पब्लिक स्कूल्स दिए गए हैं, एनेक्शन टू में आपको ये लिस्ट दी गई है क्या क्या आना है। अब मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आप PGT के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, PGT टीचर के लिए, तो 50% मार्क आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, BEd आपने किया होना चाहिए और BEd में 50% मार्क होने चाहिए। देखो यहाँ पे एक डाउट अगर आपको है कि ग्रेजुएशन में 50% नहीं है पर पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, इसके बाद है TGT जिसमें ग्रेजुएशन में 50% मांगा गया है और BEd में 50% स्कोर। फिर उसके बाद आता है PRT जिसमें ग्रेजुएशन में 50% स्कोर, उसके बाद आपने DLED BLED या BEd कर रखा है तो उसमें 50% स्कोर। इसमें एक बात और बताई गई है कि आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स 6 महीने का भी आपको करना पड़ेगा इसके अंतर्गत। ये कोर्स आप ज्वाइनिंग के बाद रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हैं, विद इन 2 ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट एज PRT ऑफ बिगिनिंग ऑफ कोर्स विच एवर इज लेटर। ठीक है, इन एडिशनल टू मिनिमम एग्रीगेट परसेंट मेंशन इन द टेबल एब कैंडिडेट शुड हैव स्कोर नो लेस देन 50% मार्क इन ईच ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, आपका किसी भी जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करने वाले हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उसमें और जो टोटल आपके मार्क्स हैं किसी में भी 50% से कम आपका स्कोर नहीं होना चाहिए। नीचे दो बातें बताई गई हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लगा रहे हैं PGT के लिए तो आप ग्रेजुएशन के आपके मार्क्स कम भी हैं 50% से तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद बात करें CTET और UPTET मैंडेटरी है क्या या नहीं। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं स्क्रीनिंग के लिए तो आपका CTET और UPTET से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब लोकल अथॉरिटी जो आपके पास के आर्मी पब्लिक स्कूल हैं
वो वैकेंसी निकालेंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे, तो वो आपसे सीटेट और यूपी टेट या जो भी आपका स्टेट का टेट है वो मांग सकते हैं। ठीक है, आपका सीटेट या टेट जो आपके स्टेट का है वो आपके जो आसपास की लोकल बॉडी होगी जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, जो नोटिफिकेशन निकालेगी वैकेंसी का, वो आपसे मांग सकती है। वहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए आपकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है सेट और सॉरी टेट और यूपी टेट की। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं एक बार और समझा देता हूँ कि आपकी एज क्या होनी चाहिए और पेपर में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, एज के बारे में बताया गया है कि फ्रेश कैंडिडेट की एज 40 साल से नीचे होनी चाहिए और कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनकी एज 57 साल से नीचे होनी चाहिए और मिनिमम 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल, फॉर पीजीटी कैटेगरी द कैंडिडेट शुड हैव वर्कड एज पीजीटी टीजीटी फॉर लास्ट 5 ईयर इन द और इन लास्ट 10 ईयर फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, अगर कोई एक्सपीरियंस लेके आ रहा है तो पीजीटी या टीजीटी में पिछले 5 या 10 साल से कहीं पर जॉब कर रहा हो, कहीं पर पढ़ा रहा हो। अगर वो पीआरटी में कहीं पढ़ा रहा है तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो टीजीटी या पीजीटी के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट जो बता रखी है वो बता रखी है 5 और 6 नवंबर 2022 को आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। आगे देख लेते हैं, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बताया है, तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स की एक लिस्ट दे रखी है, वो आप देख लीजिएगा। फॉर ईच कैटेगरी देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 200 मार्क्स, द 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ पीआरटी एंड 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट फॉर पीजीटी एंड टीजीटी। द क्वेश्चन पेपर विल हैव 200 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क ईच एंड निगेटिव मार्किंग इज 1/4 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। रिजल्ट विल बी नो मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। द रिजल्ट मैथोलॉजी विल बी फॉलोज, जैसे नीचे लिखा है एज फॉलोज। एब्सोल्यूट रिजल्ट एग्जाम समरी, वंस कैंडिडेट हैज फिनिश्ड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर एंड द आंसर शीट इज सबमिटेड एंड ऑटोमेटिक एब्सोल्युटली रिजल्ट एग्जाम समरी विल जनरेट इंस्टेंटली। द कैंडिडेट कैन डाउन नोट डाउन द रिजल्ट इमिजिएटली फ्रॉम द रिजल्ट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। जैसे ही स्क्रीन पर रिजल्ट आएगा तो आपको उसमें से कुछ चीज़ें तुरंत ही नोट कर लेनी है। ठीक है, कौन सी चीज़ें नोट कर लेनी है? क्वेश्चन ऑफर्ड कितने, क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट कितने, क्वेश्चन करेक्ट कितने, क्वेश्चन रॉन्गली आंसर कितने। ठीक है, जैसे ही आप स्क्रीन टेस्ट खत्म करते हैं तुरंत आपका ये रिजल्ट आता है, इसे आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इसके 14 दिन बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा। ठीक है, आयोग इसकी वेबसाइट पे आएगा AWESIndia.com। उसके 30 दिन बाद आपका जो है फाइनल स्कोर कार्ड या आपका जो रिजल्ट है वो सॉरी आपका जो रिजल्ट है वो 30 दिन बाद वेबसाइट पर आ जाएगा। अगर आपका रिजल्ट किसी वजह से मिस हो जाता है तो आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए 100 रुपये चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है, तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट नीचे दे रखी है, अभी आ गया है 25 अगस्त से शुरू हो जाएगा आपका ऑनलाइन। 25 अगस्त से 5 अक्टूबर के बीच जो है आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है www.AWESIndia.com। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए होना क्या क्या चाहिए आपको नीचे दिया गया है, फोटोग्राफ सिग्नेचर, ठीक है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और आपके जो भी आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं वो होना चाहिए आपके पास। इस कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी दिए गए हैं। ठीक है, इसके आपका आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, उसके बाद एक ओटीपी आएगा वो, और आपका जो भी पोस्ट वाइज डिटेल है वो सारा आप लेके जाएंगे, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सारी डेट्स आप लिखें, स्क्रीनशॉट लेके सारी डेट्स आप देख सकते हैं। इसके बाद बता देता हूँ मैं, ये आपकी लिस्ट है कि कौन कौन से आर्मी पब्लिक स्कूल हैं आपके आसपास या जो भी कमांड है, सेंट्रल कमांड या अदर कमांड, उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, या फिर आप नोटिफिकेशन सरकारी दल से डाउनलोड करके इन चीज़ों को इत्मीनान से देख लीजिएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, सारी लिस्ट आ गई है।
कौन से क्लस्टर में कौन कौन सा आर्मी पब्लिक स्कूल आता है, क्लस्टर वाइज इसके इंटरव्यू होते हैं, इसलिए क्लस्टर वाइज ही इन्होंने दे रखा है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप जाके सरकारी रिजल्ट या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट सारे ले लिए होंगे। ठीक है, 136 स्कूलों की लिस्ट मैंने दिखा दी है। अब यहाँ से लिस्ट ऑफ फॉर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एस पीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल के लिए अगर आप स्क्रीनिंग दे रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे पूरा लिस्ट दी गई है। इससे आप जरूर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरी लिस्ट पढ़ लें, क्योंकि अगर मैं वीडियो में बताता हूँ तो बहुत समय लगेगा। सब्जेक्ट वाइज सब कुछ लिखा है, बस इसमें देख लीजिएगा कि किसी में अगर 50% मार्क्स मांगे हैं तो 50% ही आपके होने चाहिए और बीएड भी साथ में होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट वाइज आप एलिजिबिलिटी यहाँ से देख लेंगे आपकी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई हुई है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है इसके एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो इसके एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन आएगा आपका बेसिक जी की, करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन, आपकी पैडागॉजी आएगी 20 क्वेश्चन में पैडागॉजी, और 160 क्वेश्चन में आपके एकेडमिक प्रोफिशिएंसीज में साइंस है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, ये सारी चीज़ें 160 क्वेश्चन में आएंगी, और हिंदी भी उसी में आएगी। सारे 40 40 और 20 20 के फॉर्मेट में है। डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप ये देख लेना कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये हो गया पीआरटी का। इसके बाद बात करते हैं टीजीटी का। तो टीजीटी का भी सेम ऐसा ही कुछ है, शुरुआत में जीके आएगी 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपकी पेडागॉजी, करिकुलम, एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स आएगा, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी 160 क्वेश्चन आएगी। इसमें बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज होगी एनसीईआरटी की, छठी से आठवीं तक, छठी से दसवीं तक की। फिर नॉलेज होगी बेस्ड ऑन छठी से दसवीं तक एनसीईआरटी बुक्स, फिर होगी हायर सब्जेक्ट नॉलेज, ऐसे करके आपके कई सेक्शन में बांटा गया है। तो आप डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करके आप क्वेश्चन वाइज देख लीजिए कौन से सेक्टर से कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इसके बाद बात करें पीजीटीज की, पीजीटीज में क्या आएगा, तो 20 क्वेश्चन आएंगे आप बेसिक जी के करंट अफेयर, 20 क्वेश्चन पैडागॉजी करिकुलम, फिर 160 क्वेश्चन एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन क्लास, यहाँ से 9 से 12 तक की चीज़ें आपके एनसीईआरटी की आएंगी। ठीक है, इसे भी आप देख लीजिएगा। फिर ये होगा बेसिक के, फिर मॉडरेट में 9 से फिर 12 तक की आएंगी, और फिर हायर में फिर इनकी आएंगी। फिर प्रोफिशिएंसी लेवल ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन ये एनसीईआरटी टॉपिक्स विद डिफिकल्ट लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, ऐसे कई सारे सेक्शन में आपके एजुकेशन मार्ट दी है, सब में आपको क्वेश्चन नंबर्स दिए गए हैं कितने क्वेश्चन कहाँ से आने हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी नॉलेज इसके बारे में। एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप, या फिर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो मैंने जो बताई काफ़ी सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद लोकल जो आपके आसपास की कमांड होंगी, स्कूल होंगी, अपनी वैकेंसी निकालेंगे न्यूज़ पेपर या उनके नोटिस बोर्ड पर, आपको पता चलेगा, आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, वो आपको इंटरव्यू कराएंगे, इंटरव्यू के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ज्वाइनिंग के बाद आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है, कौन से सेक्टर से, मैंने बता दिया है। एग्ज़ाम 5 और 6 तारीख को होने वाले हैं आप सभी के, उसके लिए सी टेट और यूपी टेट या किसी अदर स्टेट का टेट की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत आपको जब ज्वाइनिंग के समय जाएंगे कि कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे उस समय आपको पड़ेगी, जिस भी स्कूल में जाएंगे। दोस्तों काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया है, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। दूसरे वीडियो में सेक्शनल में बता दूंगा आपको, कोई भी एक सेक्शन में प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।